और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, सीधा आपको संसद की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर नागालैंड फायरिंग को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। लगातार यही आसार लग रहे थे कि ये मामला दोनों सदनों में उठेगा और इस पर गहमा गहमी भी होगी और इसी तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी दलों का इस पूरे मसले पर हंगामा हो रहा है। नागालैंड में ये लोग शांति करार किया था, ये अन्य कंपनियों में उत्साह से निवेश कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जब ये शेयर लिस्टिंग के स्टेज पर आते हैं तो इन निवेशकों को कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण पेटीएम का आईपीओ है। क्या इन उत्साही निवेशकों के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सेबी आईपीओ के लिए अनुमति देने के पूर्व स्थगन करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंप्रेशन दैट 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम का है उसमें नुकसान हुआ, ऐसे नुकसान नहीं हुआ सर। दैट इज ऑल्सो सब्सक्राइब मोर देन व्हाट वाज व्हाट इवेंट फॉर। वैसे आईपीओ हो, कुछ और फॉरवर्ड ऑफर भी हो, उसमें सेबी पूरे मॉनिटरिंग करती है, इसीलिए नुकसान आईपीओ के द्वारा अभी तक रिकॉर्ड में ऐसे नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की नीतियाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को नए उद्यम विस्तार हेतु उचित, गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं बहुत संवेदनशील मामला है, गृह मंत्री जी उचित जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने में मैंने यहाँ पर दिया आपको, मैं प्लीज अधीर रंजन जी एक मिनट बैठिए, एक आपके सुदीप मिनट बैठिए, दादा एक मिनट बैठिए, प्लीज सब बैठिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं उसकी, प्लीज एक बार प्लीज आप बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण, मुझे जिन विषयों की आप चर्चा कर रहे हो उस विषय पर माननीय गृहमंत्री जी ने मुझे लिखित में दिया है, वह सदन में आकर इस बात के लिए स्टेटमेंट देंगे। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस मत करिए, बैठ जाइए आप। सर नागालैंड में कल जो घटना घटी है सर, ये बड़ा दुखदायक और ये बड़ा शर्मसार एक मुद्दा है सर। नागालैंड में 16 से 17 बेगुन मौत हुई है, ये दर्दनाक घटना की सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाए। नागालैंड में ये लोग शांति करार किया था, ये शांति करार का नतीजा क्या निकला हम सब देख रहे हैं सर। इसके चलते सदन में सबसे बड़े मुद्दा नागालैंड मुद्दा आना चाहिए सर, क्योंकि बेगुना लोगों की इसमें मौत हुई है सर। मानने का मौत नहीं है, सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए सर। पर में आप चलने दें, की बात नहीं है सर, बात यह की नागालैंड में जो घटना घटी है सर, सील मामला है सर, इस कई में दुख सरकार अच्छी माननीय गृह मंत्री प्रश्नकाल चलने दें। आप सुदीप जी क्या बोल रहे थे? एक मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपके नाम से मौका दूं सर। नागालैंड इशू हैज शेकन द नेशन, आवर सिंपल एक्सपेक्टेशन दैट ऑनरेबल होम मिनिस्टर शुड कम टू द हाउस एंड लेट हिम एक्सप्लेन एंड लेट हिम मेक अ स्टेटमेंट टू द हाउस दैट व्हाट इज द सिचुएशन गोइंग ऑन। प्रहलाद जोशी जी, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर, माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आज ही सदन में स्टेटमेंट देंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। और आपका भावना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है, गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। टुडे इटसेल्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर विल वेट डिटेल्ड स्टेटमेंट। ओके, एक सेकंड, एक मिनट विराम। हाँ मैंने यहाँ पर दिया आपको, मैं प्लीज अधीर रंजन जी एक मिनट बैठिए, एक आपके सुदीप जी बोल रही है, एक मिनट बैठिए दादा, एक मिनट बैठिए प्लीज सब बैठिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप
मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं, उसकी व्यवस्था दे रहा हूं मैं उसकी। प्लीज एक बार प्लीज आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए एक और एक ग्यारह। नागालैंड फायरिंग मामले पर एक तरफ नागालैंड में लोग आक्रोशित हैं तो दूसरी तरफ सियासत भी गरमा गई है। इस पर ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने नागालैंड फायरिंग का मुद्दा उठाया है, पूर्वोत्तर से AFSPA हटाया जाए, ये मांग उठाई है असदुद्दीन ओवैसी ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। वो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी, क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी, कोई ताल्लुक नहीं है उनके सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी, आपने यहाँ तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवर्निटी, क्या निकल रहा है, होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवर्निटी था ये। और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा कि आपने वो कर दिया, ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आसपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहाँ पर।